अब आपके पास ये ग्राफ है, आपको एक्स टी विद रिस्पेक्ट टू टी गिवन है, आपको वाई टी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टी, और वाई टी आपका क्या है, वाई टी एंड एक्स टी में क्या रिलेशन है, दैट वाई टी इज दिस वर्जन ऑफ एक्स टी, एक्स ऑफ माइनस टू टी प्लस वन, ठीक है। सो यहाँ से आप फिर से नोटिस करोगे दैट माइनस साइन मीन्स टाइम रिवर्सल, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई हुआ देन दैट मीन्स टाइम स्केलिंग, एंड प्लस वन मीन्स टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। सो तीन ऑपरेशंस हो रहे हैं, ओके, सो तीन ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो किस तरह से करना होगा, आपके पास एक्स टी है, देन आपको मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग करना है, सो टी टेंड्स टू टी प्लस वन आप कर देना, ठीक है, आपको प्लस वन दिख रहा है, सो टी टेंड्स टू प्लस वन आपने कर दिया, प्लस वन का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट शिफ्ट, सो इस ग्राफ को वन यूनिट से लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है, सो ये जो इंस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स ये माइनस थ्री से माइनस फोर हो जाएगा, और ये जो चीज़ है ये उधर जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसे नहीं कर सकते, माइनस थ्री, सो आपको मिल जाएगा यहाँ से एक्स ऑफ टी प्लस वन, इस ग्राफ को आपको वन यूनिट शिफ्ट करना है, ठीक है। सो ये जो टिप है ये भी तो इधर आएगी ना, सो इस टिप को भी इधर लेके आना होगा, तो ये आपका माइनस फोर हो जाएगा, ये आपका जो है ये फाइव हो जाएगा, आप वन यूनिट से इधर शिफ्ट करोगे, और ये आपका जीरो पे है टिप जो कॉर्नर है, तो ये वन पे आ जाएगा, माइनस वन पे, सो इस तरह से आपका ग्राफ होगा ये चीज़, ठीक है। एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा, बिकॉज एम्पलीट्यूड में आपको इट चेंज, एम्पलीट्यूड में कोई ऑपरेशन हो रहा है क्या, नहीं, जो भी ऑपरेशन है वो, सो एक्स ऑफ टी प्लस वन आ गया। नाउ एक्स ऑफ टी प्लस वन में अब मैं क्या करूं सो दैट मेरे को एक्स ऑफ टू टी प्लस वन मिल जाए, अब सो टी टेंड्स टू टू टी, तो टी टेंड्स टू टू टी अगर आप करोगे तो आपने टू से मल्टीप्लाई किया, देन ऑल द इंस्टेंट वुड बी डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। सो ये माइनस हाफ हो गया, ये माइनस टू हो गया, और ये माइनस टू पॉइंट फाइव हो गया, ठीक है। सो ग्राफ ऐसे ही रहेगा बट कॉम्प्रेस हो गया, बिकॉज आपने टाइम स्केलिंग की है, टाइम स्केलिंग मीन्स आपका जो ड्यूरेशन है वो हाफ हो जाएगा। अब चलो ये आ गया, ठीक है, माइनस पॉइंट फाइव एंड माइनस टू पॉइंट फाइव, ठीक है, आपके ये इंस्टेंट है। अब ये कौन सा ग्राफ हो गया, अब आपके पास एक्स ऑफ टू टी प्लस वन, इससे पहले कौन सा था, एक्स ऑफ टी प्लस वन था। नाउ अब आपको क्या चेंज करना होगा सो दैट आपको एक्स ऑफ टू टी प्लस वन से एक्स ऑफ माइनस टू टी प्लस वन मिल जाए, आपको चेंज करना होगा। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक्स ऑफ टू टी प्लस वन, ठीक है, सो टू टी प्लस वन तो मिल गया ना। अब उसके बाद ऑपरेशन क्या करेंगे, टी टेंड्स टू माइनस टी, दैट मीन्स टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्स कैसे होगा, इस तरह से फ्लिप करना होगा। सो आपको फ्लिप करना है इस ग्राफ को, अब किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। सो इस एक्सिस के अबाउट शिफ्ट करोगे तो ये रेक्टेंगल जो है ये उधर चला जाएगा, एंड ये जो पार्ट है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। सो किस तरह से बनाना होगा, ये आपको इस तरह से बनाना होगा, माइनस टू बन जाएगा प्लस टू, ठीक है। सो माइनस टू बन गया प्लस टू, माइनस पॉइंट फाइव बन जाएगा प्लस पॉइंट फाइव, ठीक है। और ये माइनस टू से माइनस पॉइंट फाइव में जो चीज़ है वो यहाँ पे सेम रिपीट होगा, सो ये चीज़ ऐसे रिपीट हो जाएगा, ये जो लाइन है, ये जो स्लॉपी लाइन है, ये इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद माइनस पॉइंट फाइव बन गया प्लस पॉइंट फाइव, माइनस टू पॉइंट फाइव बन गया टाइम रिवर्सल के बाद प्लस टू पॉइंट फाइव, सो ये प्लस टू पॉइंट फाइव, सॉरी ये क्या है, प्लस टू पॉइंट फाइव है ना, सो ये माइनस में हो जाएगा, सो ये बन जाएगा माइनस टू पॉइंट फाइव, और ये इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कहाँ चला गया, उल्टा होके इधर आ गया, और ये जो पार्ट है ये रिवर्ट होके किस डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। सो इस तरह से फ्लिप हुआ, इस तरह से फ्लिप होके ये चीज़ आ गई, ठीक है। जब भी टाइम रिवर्सल होता है देन द फोल्डिंग, द जो आप रिवर्स रोटेशन करते हो दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस, सो रिवर्ट करना है इस चीज़ को रिवर्ट कर देना, ठीक है। अब इस केस में कितने ऑपरेशंस हो रहे थे, तीन ऑपरेशंस,
ठीक है, टाइम रिवर्सल आप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैंने जो केस लिया, अभी केस वो लिया मैंने जो आपको रिकमेंड किया है, केस नंबर 2 से जो मैंने करा था, पहले टाइम शिफ्टिंग करना है फिर टाइम स्केलिंग करना है, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। पहले टाइम शिफ्टिंग फिर टाइम स्केलिंग। अब जो केस नंबर 1 है जिसमें टाइम स्केलिंग पहले होता है टाइम शिफ्टिंग बाद में होता है, उससे अगर आप करोगे परफॉर्म, ठीक है, और अगर आपका मेथड जो है वो सही है, देन आपको ग्राफ यही मिलेगा जो इन दी एंड आपको मिला है, ये वाला ग्राफ, ठीक है। किस तरह से होगा मैं फिर भी यहाँ रफ में बता देता हूँ, मैं ग्राफ नहीं ड्रॉ करूँगा। एक्स ऑफ टी ऊपर लिख लेना आपको क्या चाहिए, इस माइनस साइन को बाद में ले लेंगे, प्लस 2t+1 ले लो अभी, ठीक है। माइनस साइन में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन तो रिवर्ट करना है ना बस। सो आपको एक्स ऑफ टी प्लस 2t+1 चाहिए। सो सबसे पहले आपने क्या करा, टाइम स्केलिंग कर दिया, चलो भैया टाइम स्केलिंग कर दिया नाउ। सो यहाँ आपने क्या करा, टी टेंड्स टू 2t, टी मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, देन सारे इंस्टेंट को डिवाइड बाय 2 कर देना, आपको 2t ग्राफ मिल जाएगा। अब मैं टाइम में क्या चेंज करूँ सो दैट मेरे को 2t से 2t+1 मिल जाए, ठीक है। सो टी टेंड्स टू वॉट, टी प्लस वॉट, सो दैट आपको 2t+1 मिल जाए, ठीक है। सो आपको क्या करना होगा, टी प्लस हाफ, ठीक है। सो एक्स ऑफ बड़ा ब्रैकेट टी टेंड्स टू टी प्लस हाफ, सो आपको क्या मिलेगा, ये 2t+1, ठीक है। सो यहाँ आपको शिफ्टिंग कितने से करना है, आप यहाँ आपको शिफ्टिंग करना है हाफ से, ठीक है। ये क्या है, प्लस हाफ, प्लस हाफ मीन्स लेफ्ट शिफ्ट, कितना शिफ्ट, हाफ से शिफ्ट करना है, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो जो भी ग्राफ में चेंजेस आएंगे वो आप देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। सो x ऑफ t का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू t ये है, अगर देन x ऑफ -2t+1 का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू -2t+1 भी तो यही होगा ना, ठीक है। मैथ्स मैथमेटिक्स का फंडा है ये, ठीक है। सो ये ग्राफ हो गया, बट आपको तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेस चाहिए ना, ये कौन सी एक्सेस है, -2t+1 एक्सेस है, ठीक है। सो इसको टाइम एक्सेस कैसे बनाना है, सबसे पहले इस प्लस वन को ख़त्म करो, सो आपको -1 करना होगा, सो -1, फिर ये -1+1 ख़त्म हो गया, फिर डिवाइड बाय -2 करना होगा, सो डिवाइड बाय -2, डिवाइड बाय -2, और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करना होगा, बिकॉज यहाँ पे जो नेचर है ग्राफ का वो चेंज हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव स्लोप है, सॉरी यहाँ पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। सो ग्राफ का नेचर चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, सो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ करना होगा, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जीरो पे भी आपको करना है, अगर ये सिंपल एक रेक्टेंगल होता तो यहाँ जीरो पे चेक नहीं करना होता, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा आपका, -4/ ये आ जाएगा आपका +2, ये तो आप रफ में कर रहे हो ना, ये कितना हो जाएगा, ये जीरो ही रहेगा, और ये सॉरी ये हो जाएगा आपका +1/2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका -5/2, ठीक है। सो -5/2 पे कितना वैल्यू है आपका, अब मैं आपको, ये तो रफ में था ना ऊपर वाला, तो अब मैं आपको फेयर में करके दिखाता हूँ। सो ये -5/2 पे कितना वैल्यू है, जीरो, ठीक है, सॉरी -5/2, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, +1/2, +1/2 पे कितना वैल्यू है, +1, सो +1/2 पे कितना वैल्यू है, +1, ठीक है। फिर उसके बाद +2 पे कितना वैल्यू है, जीरो, सो +2 पे कितना वैल्यू है, जीरो। सो आपको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देना है और यहाँ से आपको इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ये आपका फाइनल ग्राफ हो गया, ठीक है। और ये सेम ग्राफ है जो आपने प्रीवियस मेथड से देखा था, जो कि कन्वेंशनल तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। सो ये शॉर्टकट है अगर आपको ऑब्जेक्टिव वे में सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपका जो सॉल्यूशन है वो सीक्रेट है, सीक्रेट मतलब कब होगा, ऑब्जेक्टिव जब आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आप कुछ भी रफ में कर सकते हो। सो रफ में ये करना है, कोई कुछ भी कर सकते हो, बट अगर आप ES में सॉल्व कर रहे हो कन्वेंशनल में, सो ES कन्वेंशनल में इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, जो बताया था उस तरह से सॉल्व करना है।